बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि एक बंदे ने हमसे क्वेश्चन किया था, सर अगर इस तरह हमारे पास मरूजी हो उसको हमने कन्वर्ट करना हो इस शेप के अंदर, यानी कि इस अंदाज़ में लिखना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका ये मेथड है, आप इसे ज़रूर सीखिएगा। आप एक ही क्लिक के ऊपर ये सारी मरूजी को इस तरह कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए देखें, अगर तो आपके पास इस तरह मरूजी लिखी हुई है, यहाँ पे उसकी लाइन लिखी है, नीचे ऑप्शन है ए बी सी डी, इस तरह ये, फिर नीचे ऑप्शन है ए बी सी डी, ये इस तरह। तो आपने क्या करना है, साथ ही एक्सेल को ओपन कर लेना है। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपने यहाँ से इन मरूजी को यहाँ से आपने कॉपी करना है। मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां तक है मेरे पास ऑप्शंस, इनको कर रहा हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जाना है एक्सेल के अंदर, एक्सेल की शीट में कहीं भी आपने पेस्ट कर देना। तो यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं, देखिए हमारे पास एक ही शीट में इस तरह आ गई है, वैसे ही उधर सेल्स के हिसाब से आ गई हैं। अब उसके बाद ये देखिए, इस सेल के अंदर हमारी ये सारी मरूजी है। तो आपने इस सेल की ये वाली जो लाइन है, जहाँ पे एफ की ये लाइन शुरू हो ख़त्म हो रही है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास इस तरह बड़ा हो जाएगा। तो देखें अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसके सामने जहाँ पे आपकी ऑप्शन लिखी है, यानी कि आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, इसके बिल्कुल सामने ये इस सेल के ऊपर क्लिक करना है, इक्वल का साइन लगाना है, और फिर इसी सेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जहाँ पर आपकी ये मेन लाइन लिखी हुई है, इसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब आप एंटर करेंगे तो देखिए यही स्टेटमेंट आपकी इधर आ जाएगी। अब ए के सामने आपने यहाँ पे फिर से इक्वल का साइन लगाना है और ए वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो इस सेल का एड्रेस आपका इस सेल के अंदर आ जाएगा। जब एंटर करेंगे तो वही टेक्स्ट आपका यहाँ पे दिखाई देगा जो इस सेल के अंदर होगा। अब बिल्कुल इसके साथ ये जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और आप बी वाले पे क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपके पास ए और बी की ऑप्शन एक लाइन के अंदर आ गई। अब इसी तरह इसके आगे वाला जो सेल है ये वाला, तो हम जो है वो राइट एरो से इस तरह ले जाते हैं अपने कर्सर को, इक्वल का साइन लगाते हैं, सी वाले सेल पे क्लिक करके एंटर करते हैं, फिर इसी तरह यहाँ पर क्लिक करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और डी वाले पर क्लिक करके एंटर करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोसीजर कम्प्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन ऑप्शंस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखाई दें, ये इस तरह। अब देखें इसके सामने हमारी ये ऑप्शन आ गई और ए वाले के सामने हमारी ये नीचे वाली तीन ऑप्शंस आ गई, तो इनको मैं ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब ये जो तीन सेल्स हैं इनका क्या करेंगे, अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपने ड्रैग करना है यहाँ तक डी की ऑप्शन के बिल्कुल सामने, यहाँ तक सिलेक्शन होगी, इसी तरह इधर डी तक सेलेक्ट करने हमने, कैसे, यहाँ पे क्लिक करके नीचे को ड्रैग किया यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक है। देखें ये सारा हिट गया, यानी कि इसके बिल्कुल बराबर वाले इधर सेल्स हमारे पास सेलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, इसे कहते हैं फिलिंग कॉर्नर, यहाँ से पकड़ना है और इसको नीचे ड्रैग कर देना है इस तरह, यहाँ तक आपकी मरूजी जा रही है। तो ये मरूजी है मेरी जी यहाँ तक, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखे बिल्कुल अब इसके सामने ये और इनके सामने ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, ये देखें बिल्कुल इनके सामने आ गए। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इतना तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से सभी को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसी तरह सभी को सिलेक्ट करना है, जहाँ तक सिर्फ इधर वाले एरिया को ही सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है यहाँ से और यहीं पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट कैसे करना है ये देखें, ये सिलेक्ट है और ये कीड़ियाँ सी देखें चल रही हैं, इसका मतलब ये वाला एरिया कॉपी है, यहीं पे हमने पेस्ट करना है। कैसे करना है, ये पेस्ट के ऑप्शन में यहाँ पे देखिए एक एरो बना हुआ है, इस पर ऊपर क्लिक करें, ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास पेस्ट एज वैल्यू की। अगर तो आप 2007 इस्तेमाल करें तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगी। फिर आपने क्या करना है, यहीं पे क्लिक करना है, शुरू में कंट्रोल वी प्रेस करना है, जब आप करेंगे तो आपके पास इस तरह की ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आएगी, यहाँ से आपने इसको क्लिक कर देना है,
अब क्या करना है, अब आपने इस रो को सिलेक्ट करना है, इस वाली को, और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देना है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट मरहला, आपने इन सभी को सिलेक्ट करना है, इस तरह नीचे की जानब पहली रो को निकाल लें, बस सिर्फ एक रो, ये जो हमारी है जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये वाली रो। उसके बाद आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल के ऊपर क्लिक करना है, ब्लैंक, ओके। तो जितने आपके यहाँ पे ब्लैंक सेल्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने डिलीट के इस नीचे से छोटे से तीर के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ से डिलीट शीट रो कर देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो देखें आपके पास इस तरह से ये मरूजी आ जाएगी। अब आप ऐसे 2 3 4 ये डी तक सेलेक्ट करके नीचे को सिलेक्ट कर लें, इस तरह कॉपी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें और यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर देंगे तो आपके बिल्कुल यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। देखें हमारे पास इस तरह से ये आ जाएंगी। तो अब आपने एक छोटा सा काम और करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये देखें ये एक बॉक्स सा बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह सेट कर लेना है जितनी आपको इसकी साइज़ चाहिए। आई होप आपको ये ट्रिक बड़ी पसंद आई होगी। अगर इस तरह की मज़ीद आपने कोई सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, आप हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको उसके ज़रूर आंसर देंगे।